بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سائنس کی ٹیچر مس سمبل کلاس 7 کے یونٹ 1 میں سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. دی سینٹرل نروس سسٹم پیج نمبر 3 پہ ہمارا پاس جو ہے سینٹرل نروس سسٹم ہم پڑھیں گے. اس میں جو ہے دا برینس پہلے کیا پڑھیں گے, دو ٹائپس, ایک اسپینل کارڈ ہے اور ایک برین ہے. پہلے فرسٹ آف آل ہم برینس کے بارے میں پڑھتے ہیں. دی ہیومن برینس از انکلوزڈ ان اے بونی کیس کالڈ کرینیمز. ان ایڈلٹ ہیومنز برین وے اباؤٹ 3 pounds اینڈ کنسسٹ آف بلینز آف نیورونس. 3 layers آف کنیکٹو ٹیشوز کالڈ میننگ اینڈ دا فلوئڈ پریزنٹ ان دس لیئرز پروٹیکٹ دا برینس. The brains can be divided into 3 main parts called forebrain, midbrain, hindbrain. हमारे पास जो brains है इसको cover किया है skull ने, जो cranium भी हम कहते हैं. इसका weight क्या है, 3 pounds है. brain का weight कितना है, 3 pounds. और billions of neurons इसमें मौजूद है. इसके जो है ना 3 layers connective tissues है और इसमें मीनिंग भी हम उसे कहते हैं. इसमें फ्लूइड मौजूद होता है जो प्रोटेक्ट ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ब्रेन के 3 parts है. क्या है, फोर पहले हम पढ़ते हैं. फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन. फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ 3 main parts. फिर इस फोर ब्रेन के 3 main parts है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. 3 parts है इसके. सेरिब्रम क्या काम करता है, इज द टॉप ऑफ द मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम जो हमारे पास है वो टॉप, बिल्कुल टॉप पे है ब्रेन में और लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. इट इज़ डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर. ये दो जो है ना, दो टाइप्स पे डिवाइड हुआ है, एक राइट है और एक लेफ्ट. दोनों साइड्स पे ये मौजूद है. हेमिस्फीयर हम कहते हैं द राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर सेंट्रल मूवमेंट ऑफ द एक्टिविटी. ये राइट का काम क्या करता है, राइट का, राइट की तरफ जो सेरिब्रम हमारे पास है तो वो मूवमेंट का काम, जब आप लोग हरकत करते हो, मूवमेंट करते हो तो वही जो है ना इसको यानी इसको प्रोटेक्ट करता है. द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड की बरक्स. वाइल द लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द, यानी जो हमारे पास राइट साइड के सेरिब्रम हैं तो वो लेफ्ट के भी कंट्रोल्स करता है, और जो लेफ्ट के साइड्स के हेमिस्फीयर है वो राइट साइड के जो आप लोग मूवमेंट वगैरह करते हो तो वो कंट्रोल कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक ही हिस्सा अगर इसका डैमेज हो जाए या कोई इंजरी आ जाए इस पर, सॉरी डैमेज नहीं लेकिन इंजरी आ जाए, तो वो क्या करते हैं, जो लेफ्ट के ख़राब हुए तो राइट वाले इसको सब जो है ना इसको प्रोटेक्ट देता है. सेरिब्रम इज द कंट्रोल सेंटर मेनी सेंसरी एरिया लाइक साइट, स्पीच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग. ये भी कंट्रोल करता है. सेरिब्रम क्या करता है, लार्जेस्ट पार्ट है तो ये जो स्वीट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग वगैरह जो भी है ये जो है ना ये कंट्रोल करता है. इट इज़ आल्सो कंसर्न विद लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंट, मेमोरी एंड वॉलंटरी मूवमेंट. जो भी कंट्रोल करने की वॉलंटरी मूवमेंट हो, कंट्रोल करने की चीज़ हो तो वो सेरिब्रम ही कंट्रोल कर सकता है. इन साइड द सेरिब्रम दिस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड थैलेमस. सेरिब्रम के इन साइड की तरफ थैलेमस मौजूद है, स्मॉल सा है, छोटा. इट एक्ट एज ए प्रोसेसिंग सेंटर बिटवीन द बॉडीज एंड सेरिब्रम बाय रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक टच, साउंड एंड कैरिंग देम द सेरिब्रम. सेंसरी जो है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जब आप लोग कुछ टच करते हो या कोई साउंड सुनते हो तो वही मैसेज नर्वस सेंड करता है किस तक, सेरिब्रम तक. एट द बेसिस ऑफ द थैलेमस इज द हाइपोथैलेमस विच रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट. और थैलेमस और हाइपोथैलेमस का जो काम है वो टेम्परेचर भी रेगुलर जो है टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है, हैंगर है, थ्रस्ट है, तो ये भी वो कंट्रोल कर सकता है. सही है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट मिड ब्रेन है. मिड ब्रेन का इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट ये जो है ना ये भी सेंट्रल पार्ट है ब्रेन का, मिड ब्रेन. इट बेसिस फंक्शन इन ए ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एंड इम्पल्स बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन.
ये क्या करता है, इसका मिडब्रेन का काम है कि फोरब्रेन और हैंड ब्रेन जो हमारे पास दो हिस्से और है उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है और इसके दरमियान जो कुछ हो तो वो लेता है। दिस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, स्लीप, वेक एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये इसका काम है कि आप लोग के पास जो स्लीप्स होते हो या टेम्परेचर हो कोई रेगुलेशन तो वो क्या करता है, वो मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। द मिड ब्रेन आल्सो सर्व्स टू कंट्रोल सम रिफ्लेक्स हेज चेंजिंग साइज ऑफ प्यूपिल्स टू कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जब आप किसी चीज़ को देते हो ज़्यादा लाइट आपकी आंखों पर ज़्यादा रोशनी आ जाती है तो आप लोग जल्दी आंखें बंद नहीं कर सकते तो ये भी ये कंट्रोल कर सकता है जो इसमें चेंज आता है। जब आप लोग चलते हो डायरेक्ट रुक जाते हो तो रिफ्लेक्स एक्शन ये भी ये कंट्रोल करता है, इसमें चेंजेस आती है। सही है, चेंजेस आने लगेंगे यानी मतलब ये है कि आप लोग लाइट जो है ना वो स्लो करो या जो है ना तो आपको पता किस तरह चलता है। तो ये नर्व्स जो है ना आपके सेंट्रल नर्व्स मिड ब्रेन तक मैसेज कैरी करता है तो आप जो है ना वो लाइट्स जो ज़्यादा रोशनी तेज़ हो तो वो कम करते हो, जब दौड़ते हो या ज़्यादा तेज़ मूवमेंट करते हो थकान आ जाती है तो रुकते हो तो वो मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। तो वो कौन, मिड ब्रेन। सही है, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया है। पहले इस हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, हैंड ब्रेन का ये थ्री नंबर पार्ट्स है ब्रेन का। ये क्या है, इसमें फिर इस हैंड ब्रेन में थ्री पार्ट्स है, एक सेरिब्लम है, पोनस है और मेडुला एलॉन्गेटा है। सेरिब्लम क्या काम करता है, सेरिब्लम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो है ना ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद पोस्चर बैलेंस एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ये बैलेंसिंग करता है बॉडी में, कोई चीज़ में बैलेंसिंग लेकर आता है। सही है, और लोकोमोशन भी। पोनस इज ए स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबोव द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किया है आपको, पहले समझाते पहले ये जो है ना पढ़ते हैं। इट्स सर्व एज ए ब्रिज ऑफ और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बिटवीन द सेरेब्रम मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ये जो है ना ये सेरेब्रम के दरमियान में होता है और ये ब्रिज की तरह होता है, एंड सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के दरमियान होता है। इट इज द कंसर्न विद द रेट ऑफ ब्रीथिंग, स्लीपिंग एंड आल्सो रेगुलेट आई मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जब आप पे कोई आपके फेशियल पर कोई प्रेशर आ जाता है या आपके आई जो है ना वो मूवमेंट करती है ना इधर उधर, आप लोग देखते हो ना, वही स्लीपिंग जब आप लोग सोते हो ब्रीथिंग सांस लेते हो तो ये फोनस वो ही कंट्रोल करता है, इसकी रेट को बैलेंस में लेकर आता है। क्या करते हैं, बैलेंस में लेकर आते हैं। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या काम करते हैं, कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड्स के जो स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी उसके साथ कनेक्ट होता है। इट कंट्रोल हार्ट बीट, स्वेलिंग, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, डाइजेशन एंड ब्रीथिंग एक्सेट्रा। ये कंट्रोल करता है जब आप लोगों की हार्ट बीट धड़कन तेज हो जाती है या ये मसल्स इक्विलिब्रियम पाप में लेकर आते हैं, आप लोग को वॉमिटिंग, स्वेलिंग, कफिंग जो करते हो या स्नीजिंग, डाइजेशन जो हो रही है, ब्रीथिंग जो भी है वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करता है। इसके कंट्रोल में किसके, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। कीप ऑन वर्किंग विद द रेस्ट ऑफ ब्रेन डज नॉट वर्क। और ब्रेन जो है ना वो रुकता नहीं, ये काम मुसलसल काम करता है, मुसलसल आप लोग सोते भी हो तो भी आपके ब्रेन काम करता है, ये रुकता नहीं है। यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किया है आपको, ये जो है ना फिगर 1.2 सेक्शंस ऑफ स्कल शोइंग डिफरेंस पार्ट ऑफ ह्यूमन। आपको दिखाते हैं कि इसमें पोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन कौन से हैं। यहाँ ऊपर आप लोग देखें ये पोर ब्रेन है, पोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है, एक सेरिब्रम है, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये तनामस है, यहाँ पर जो रेड कलर का आपको नजर आ, ये है और हाइपोथैलेमस ये छोटा सा है। सही है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पोर ब्रेन के टाइप्स है। आप लोगों को मैंने बताया कि ये क्या क्या काम करते हैं, समझ आई होगी। दूसरा जो हमारे पास है मिड ब्रेन हमारे पास यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये लाइंस दिया है, देखो ये जो है ना ये ब्लैक कलर्स के, ये है मिड ब्रेन, यहाँ पर मौजूद होता है। और हैंड ब्रेन जो है हमारे पास ये है, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ये सेरिब्लम है, इसके बाद इसके साथ ये छोटा सा ब्लैक सा है, ये मेडुला है और ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ
कनेक्ट है। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किया है और इसके साथ जो है ना मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है और इससे जो ऊपर छोटा सा है वो पोनस है। ये है हैंड ब्रेन के टाइप्स है। यहाँ पर ये अपना अपना काम करता है। ये पे फ्रंट ग्लैंड है, ये जो ब्रेन्स के फिर टाइप्स है ये है फ्रंट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, टेम्पररी लॉब्स है यहाँ पर। ये सारे जो है ना स्ट्रक्चर शो किया है आपको, आपको नज़र आ रहा होगा। ये है कि ये ब्रेन थे हमारे पास, और ब्रेन थे फोर टाइप्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन, और फिर उसके टाइप्स है जो जो काम करते हैं मैंने आपको बताया। ओके थैंक्स।